हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई, पहले तो सभी लोगों को राम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कंफ्यूज मत होना भाई, आज दिवाली है, आज है 22 जनवरी, आज हमारे आराध्य हमारे राम अयोध्या पधारे हैं, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। भाई बहुत ही खुशी का दिन है, सभी लोग सेलिब्रेट करो भाई, बहुत ही हर्षोल्लास। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, आज कल से मैं देख रहा हूँ मेरे शिवरामू में भी भाई डेकोरेशन वगैरह हो गई है, बट मैं घर पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं हो रही है। परिवार में एक बाबा थे, वो एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से पूजा वगैरह नहीं हो रही, तो मैं वो तो नहीं कर सकता हूँ। बाकी हाँ, जो अपना फ्लैग वगैरह है वो लगाएंगे ऊपर, और किट्टू जो भी कर पाएगी वो करेगी। बाकी हमने, आदित्य भैया ने और सनोज भाई ने, हम तीन लोगों ने थोड़ा सोचा है कि इस खुशी में कुछ किया जाए, जो हमारे आराध्य आए हैं इसकी खुशी में, तो भाई वो थोड़ा बहुत करेंगे। बाकी अभी तो मैं मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट भाई इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपके भाई को कराना है गंजा, उसके बाल देखो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो भाई आज आपका भाई गंजा कराएगा, और अभी तक करा नहीं पाते क्योंकि जो बाबा एक्सपायर हो गए तो बाल वगैरह बने नहीं थे। आज भाई बाल बनने हैं, और जब तक बाल वगैरह बनते नहीं हैं तब तक कुछ करा नहीं सकते, ना नेल कट कर सकते, ना बियर्ड सेट करा सकते, ना बाल कटवा सकते, तो भाई आज बाल बन रहे हैं, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ और गंजा करवा के। तो बाकी बियर्ड सेट कराएंगे, बियर्ड साफ नहीं कराएंगे, बियर्ड सेट करवाएंगे, बाकी ये बिल्कुल साफ करा देंगे। तो चलते हैं फटाफट और ये करवा के आते हैं, उसके बाद फिर जो हम तीनों लोगों ने सोचा है वो करते हैं, चल के आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी सब अच्छे से हो जाए। और सभी लोग भाई इस दिन को सेलिब्रेट करो, और एक बार प्यारी सी कमेंट कर दो जय श्री राम की, ठीक है, और सभी लोगों को जय श्री राम कमेंट कर दो भाई। कमेंट नहीं करते हो आप लोग भाई, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो। बाकी अभी चलते हैं फटाफट और ये करवा के आते हैं, फिर आगे का जो भी होता है वो दिखाते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ घर पे, और कैसा लग रहा है आपका भाई? अब भाई बियर्ड भी थोड़ी हल्की करा ली है, जीरो करवा ली है, बाकी अभी कुछ दिनों में सही आ जाएगी। और पता आपके भाई ने चोटी भी रखी हुई है, ये देखो बहुत प्यारी चोटी, मैं दिखाता हूँ सही से। ये देखो भाई चोटी, आपके भाई ने ये चोटी रखवाई है, कैसी लग रही है कमेंट में बताना। भाई फुल ब्राह्मण वाले रूप में आ गए, चोटी वगैरह के साथ में। अभी तक भाई मैं पहले भी करा चुका हूँ गोटा, लेकिन तब मैंने चोटी वगैरह नहीं रखी, लेकिन इस बार मैंने चोटी रखवा ली है। और अब फटाफट नहा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज, और फिर चलना भी है। भैया बार बार कॉल कर रहे हैं कितनी देर, तो भाई फटाफट नहाते हैं और चलते हैं। तो भाई मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, और ये आ गया अपना खाना। बाकी भैया की और अवनीत भैया दोनों की कॉल आ रही है बार बार, भाई कहाँ हो, कितनी देर। भैया तो गुस्सा और बोला तुम शिवरामू में दिखाई मत दे जाना, मैंने भाई बस आ रहा हूँ भाई, फटाफट खाते हैं और जो झंडा है वो लगाते हैं, और उसके बाद फटाफट निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितना टाइम हो चुका है, 22 जनवरी, टाइम भी 1:22 हो रहा, देख रहे हो, मतलब जब मैं देख रहा हूँ उस पर दिखा रहा 22 जनवरी, टीवी चल रही है, तो भाई भी भाई सब दिखाया जा रहा है, ये मोदी जी डेनवर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई वही सब बाहर का दिखा रहे हैं अयोध्या का, बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। फटाफट खाते हैं और फ्लैग लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो भाई मैंने खा लिया और अभी ऊपर आ गया हूँ, ये फ्लैग लेके, और इसको लगाते हैं छत पे भाई, यहाँ पे लगाएंगे बीच वाले पोल पे, क्योंकि साइड वाले दोनों पोलों पे एक एक झंडा लगा हुआ है, एक हनुमान जी का, और दोनों हनुमान जी के ही है, दोनों हनुमान जी के ही हैं भाई, एक छोटा है एक बड़ा है, और यहाँ पे अपने राम भगवान का लग जाएगा, तो फटाफट लगाते हैं। तो भाई फ्लैग लग चुका है, और देख लो मतलब सबसे ऊँचा लगा हुआ है बीच सेंटर पर, और सबसे ऊँचा फ्लैग अपने श्री राम जी का, बाकी भाई प्यारा लग रहा है एकदम फहरता हुआ। इस वाले को सही कर दो बेटिया, ये भाई बड़ा है, बहुत बड़ा हो जाता है ये, तो वो हवा के चक्कर में वो ऐसा हो जाता है, ये देखो इतना बड़ा है, तो हवा जब ज़्यादा हवा चलती है तब तो वो चलता रहता है। बाकी इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं क्योंकि बार बार कॉल आ रही है और गालियाँ पड़ी रही हैं, और कैसा लग रहा है आपका भाई बताना जरूर, ठीक है। किट्टू करी टिकला भाई, टिकला तो भाई इनकी करामात देखो, ये यहाँ पे है चेरी, और ये देखो चिंकी को बिल्कुल साइड पे बैठी है, और ये अगर गिर जाए तो ये कौन बचाएगा, मतलब दोनों तरफ उधर खुला हुआ उधर भी जाएंगे, सीढ़ी पे गए तो सीढ़ी पे भी जाएंगी। तो भाई घर से आ चुके हैं और भैया की गाड़ी में बैठ चुके हैं, और हम जा रहे हैं चार लोग, ठीक है, मैं हूँ, कृष्णा है, आगे सोम त्रिवेदी हैं, और ड्राइवर साहब गाड़ी चला ही रहे हैं, मतलब भैया जी,
ठीक है। तो अभी बूंदी लेते हैं चल के और बूंदी वितरित करेंगे, ठीक है। तो फटाफट लेते हैं बूंदी और चलते हैं बांटते हैं चल के। तो भाई पहुंच चुके हैं बूंदी लेके बट्टे पे और देख लो भीड़ हमेशा की तरह, हम लोगों के आते ही सब आ गए। और बाकी एक बार बताओ रानी कैसी लग रही है, फ्लैग लगी हुई भाई मस्त लग रहा है, उस पर लगा हुआ है एकदम बजरंगी का झंडा, भाई मज़ा आ रहा है। बाकी देख लो भाई प्रसाद के लिए, भाई अच्छा लगता है यार, आज तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रभु श्री राम ने ये मौका दिया है कि अपनी खुशी में हम सबको शामिल कर पाएँ। भाई जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बाकी सोम है, कृष्णा है और भैया हम चार लोग आए, अपनी ताज नहीं पाए हैं, वो कहीं काम से चले गए क्योंकि मेरी वजह से बहुत लेट हो गया था आज। ये देखो भाई सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं, आज पहले ही बोल दिया भाई लाइन लगाओ उसके बाद ही मिलेगा। तो बच्चे देखो सब लाइन से खड़े हैं, देख रहे हो पूरी रो लगी वो लगवाई जा रही है, लड़की लगवा रही है लाइन, सब लाइन से खड़े हुए। बाकी अभी भी आ रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है भाई आज बूंदी कम पड़ जाएगी। ये भैया की देन है, बोले लाइन लगाओ उसके बाद ही आज डिग्गी खुलेगी, तब तक डिग्गी नहीं खुलेगी जब तक लाइन नहीं लगेगी। तो सब लाइन से लग रहे हैं। श्री राम की प्रतिष्ठा हुई है, उस खुशी में हम लोगों ने बूंदी बांटी है, ठीक है। तो इसी बात पे एक बार लगा दो जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसाद बांटना स्टार्ट कर दिया है, भाई बूंदी बटना स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोगों को एक एक करके दी जाएगी। बाकी आज भीड़ कुछ ज्यादा ही है और नारे लगवा के तो कैड़ा माहौल बना दिया गया। ये देखो भाई ये साइड में चले आए, कहे ये देखो भाई मस्त एकदम माहौल कैड़ा बन चुका आज। तो भाई नारे लग गए उसमें तो भाई मजा आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई बूंदी वगैरह बांट चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं, आज बिल्कुल भीड़ बिल्कुल गायब हो गई। बाद में बच्चों को बुलाते रहे, भैया एक रील शूट की है उसकी, तो हमने कहा भाई कुछ है नहीं हम लोगों के पास में, तो बच्चे आएंगे भी नहीं, दो तीन बच्चे आए केवल, बाकी सब भाई अच्छे से बट गया। और अब चलते राम हैं, राम जी, राम राम, राम राम जी, भाई की राम राम, सभी लोग स्वीकार करें। कृष्णा के घर के बाहर साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पे प्रसाद वितरित हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई देख रहे माहौल हर जगह भाई ऐसा ही हो रखा है, हमारा शिवराम हो भाई, शिवराम हो एकदम वीआईपी। यहाँ खाना वितरित हो रहा है और ये प्रसाद आ गया हम लोगों के लिए भी, हमारी गाड़ी को फोर्स निकलवाती हुई, भाई फोर्स गाड़ी को बाहर निकलवा रही है, जाम ना लगे इसलिए आगे आगे फोर्स चल रहा, पीछे पीछे गाड़ी हमारी, देखो भाई मतलब
इस झंडे का अलग मजा है भाई, अलग मजा है केवल इस झंडे का। राम भक्ति है भैया, राम भक्ति है, देख रहे भाई बार बार पीछे मुड़ मुड़ के भाई अपनी गाड़ी को निकलवाए जा रहा है। सर आपकी गाड़ी निकल जाए। तो भाई मैं घर आ चुका हूँ वापस, ठीक है, सब अच्छे से हो गया, फुल मस्ती हो गई। और अब मेरे को फील्ड पे जाना है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अंकित की कॉल आई थी, तो बोला है जो 2-3 MRI बची हुई है वो कर लो। मैंने बोला भी था कि कॉल आ चुकी है ऑफिस से तो जाना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ और अपनी छोटी रानी मतलब TVS पे भी मैंने फ्लैग लगा दिया है। कल एक मिला था वह भैया के पास छोड़ा था, अभी मैं ले आया था तो वो मैंने लगा दिया है। बाकी फटाफट निकलते हैं फील्ड पे, करते हैं चल के काम। भाई मैं फील्ड पे था और रास्ते में मिले मेरे को मामन भैया, ये भाई मामन भाई, और मैं मंदिर दिखाता हूँ मामन भैया का, ये देखो भाई कितना सुंदर मंदिर है। भाई फील्ड पे थे, मामन भैया मिल गए, भैया ने दिखाया मंदिर, बोले चलो मंदिर घूम के आते हैं। और भाई राम भगवान का ही मंदिर है, यहाँ पे कीर्तन वगैरह चल रहे हैं, मंदिर की डेकोरेशन देख रहे हो, ये गली और ये मामन भैया और ये मंदिर की डेकोरेशन। भाई राम भगवान का ही मंदिर है ये, बहुत भगवान के दर्शन करो कितने प्यारे। भाई मैं आ गया हूँ वापस घर पे और ये सर पे बांध लिया क्योंकि इसमें सर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मम्मी ने बोला कि खुला नहीं रखा जाता है तो बांध लो, मैंने कहा ठीक है। और किट्टू ने भाई ये घर पे थोड़ी सी तैयारी कर दी है, मैं मम्मी पापा पूजा कर नहीं सकते, ना बाबा कर सकते हैं, बिटिया कर सकती है, तो भाई किट्टू ने जो भी थोड़ी बहुत कर पाई व्यवस्था वो अपनी उतनी कर ली है। अभी पूरा राम दरबार किट्टू ने लगाया हुआ है, ये देखो अपने राम और उनका पूरा परिवार, भाई पूरी फैमिली है भाई इसमें। और अपने अभी किट्टू पूजा वगैरह करेगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई अब हो रही है पूजा और किट्टू कर रही है, वैसा भाई चौक बनेगा नहीं जो आटा से बनाया जाता है वो वाला चौक बनेगा नहीं, तो किट्टू फूल से सतिया बना रही है भाई, अब जैसा जो हो सकता है उतना कर रहे हैं, मजबूरी है, नहीं तो वैसे तो अच्छे से किया जाता बट मजबूरी है और घर की बात है, या कहीं दूर की बात हो तो बात अलग थी बट ये घर की बात है तो इस वजह से मजबूरी है हम लोगों के सामने, तो अभी ऐसा ही करना पड़ रहा है। ये देखो भाई किट्टू ने कर दिया एकदम तैयार, अब भाई प्यारा लग रहा है, देख लो भाई जितना कर सकती थी किट्टू उतना उसने किया, हम लोग तो कर नहीं सकते थे क्योंकि पूजा वगैरह होगी नहीं, आप लोगों को जैसा कि बताया तो यही करेगी जो भी करेगी भाई, जितना उससे आता है उतना वो अपना कर रही है। बाकी भाई फिर भी अच्छा किया है, अच्छा लग रहा है देख के, अब प्रभु अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। और भाई अब किट्टू दीपक जला रही है और ये जला दिए दीपक, बाकी भाई ये साइड में दीपक रखे हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं एकदम, मतलब वॉर्म वाइट लाइट इनकी बहुत प्यारा लगता है। और ये भाई पूजन भी कर दिया प्रभु का, ये भी भाई सिंदूर से करना पड़ रहा है क्योंकि हल्दी और चावल इन सब चीज़ों का यूज होगा नहीं, सिंदूर से कर सकती हैं तो सिंदूर से हो रहा है। बाकी भाई जो भी है जैसा है अच्छा हुआ, किट्टू ने जितना कर सकती थी उतना किया। जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो प्रभु। अब चलते हैं भाई ऊपर और कैंडल वगैरह लगा देते हैं, एक दो छोटू रन्नू भी ऊपर है वो आवाज़ दे रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं ऊपर, एक दो कैंडल लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो कर सकते तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो भाई ऊपर आ गए और ऊपर आके कैंडल्स लगा दी हैं, भाई ज़्यादा नहीं लगाई, थोड़ी लगाई हैं, ठीक है, पूरी छत पे नहीं लगाई, केवल सामने सामने लगा दी हैं, ठीक नहीं लगता यार। और बाकी एक बार ये देख लो पीछे साइड एरिया में भाई कैंडल्स जल रही हैं, अच्छा लग रहा है। और इस साइड पर देखो कि भाई इधर भी कैंडल वगैरह लगाएंगे, बाकी आतिशबाजी हो रही है भाई, अच्छा लग रहा है। इधर भी पीछे देखने को देख रहे हो ना, पीले पीले से जल रहे हैं भाई, कैंडल्स वगैरह दीपक वगैरह ही हैं भाई, सब जगह दिवाली मनाई जा रही है, अच्छी बात है भाई, अच्छा लगता है। और भाई पटाखे वगैरह सब चल रहे हैं। और मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।